लड़ाई जीता, भूलता था, लेकिन आपका लड़ाई थोड़ा दिमाग से लड़ना पड़ता है। तो उस दिमाग में भी आप ये लोग ना समझे कि बोका लोग हैं, अब आप फिर से सक जाएंगे। अभी कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट से, कानून कोर्ट से हम लोगों ने एक लड़ाई जीता, और वो लड़ाई टाटा कंपनी के खिलाफ वो लड़ाई था। टाटा कंपनी का एक खदान चलता है रामगढ़ में कोयला का, और वहां पर लगभग 5000 एकड़ से अधिक जमीन, जहां जमीन के नीचे से कोयला निकाल रहा था, तो ऊपर में किसी को नहीं बसने देता था, ना खेती बाड़ी करने देता था, ना सड़क बनाने देता था, ना इंदिरा आवास बनाने देता था, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ। गांव के गांव खाली कर देता था। बरसों बरस ये कोर्ट कचरे में चीजों को लटका के रखा। हमने बोला ये तो गजब बात है, इसको तो कोयला निकालने के लिए बोला था यार, इसको कोयला जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड माइनिंग करने का उसको परमिशन था, खेती रोकने का तो परमिशन नहीं था। कानून को ठीक से लड़ाई लड़ो। हम लोगों ने वकीले बढ़िया किया, चीजों को बढ़िया से तर्क रखा, और आज नतीजा है वो 5000 एकड़ टाटा के हाथ से हम लोगों ने अलग करके दिखाया। अब वहां किसान को जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, बिजली जाने से नहीं रोक सकेगा, सड़क जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो कई ऐसी लड़ाइयां जो अभी हमें लड़ना है, उस कसम का धज्जी उड़ेगा ऐसा होगा नहीं, और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत। अभी इस राज का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है। अजीब हालत, मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग है क्या जी? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सकोगे। आज कहीं फिर से अपना पैर कैसे जमाए उस पर एन प्रकार ये लोग लगे हैं। इन लोग के साथ भी कुछ दलाल लोग हैं। आज देख लीजिए, हमारे राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री 5 साल कभी पूरा नहीं कर पाया, वो भी आदिवासी था, बाबूलाल जी। फिर उसके बाद एक तुरम खान आ गए, हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वो भी मुख्यमंत्री बने लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाया। कहे क्योंकि ये झारखंडी है, कहीं ना कहीं इसका झारखंडी खून जग गया तो मुश्किल हो जाए। 5 साल इन लोग को नहीं चलने दिया, 5 साल इस राज को चलाया। कौन चलाया 5 साल पूरा? छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के चलाया। वो अपने आदमी पर भी विश्वास नहीं करता है, अपने झारखंडियों पर भी विश्वास नहीं करता है, बाकी लोग पर क्या विश्वास है?